विमला के नाम से सर्च करने पर 39 रिजल्ट सामने आए हैं। उनमें से अब हम पहचान कर सकते हैं कि कैसे जिसको हम सर्च कर रहे हैं, तो HOF का नाम विमला है तो उसके पति के नाम से, फादर के नाम से, मदर के नाम से अपन मैच करके और उसको देख सकते हैं। जेनेटिक रिसर्च जो ऑप्शन है, इसमें एक और खूबी जो सबसे फायदेमंद है, अगर आधार नंबर या अकाउंट नंबर डुप्लीकेट बोल रहा है परिवार के नामांकन की स्थिति में रुकावट आ रही है डुप्लीकेट की वजह से, तो यहाँ जाके सर्च कर सकते हैं अकाउंट नंबर कहीं अगर और जगह वो मैच हो रहा है, तो अकाउंट नंबर अपन ने जैसे ही यहाँ डाला, हम यहाँ डालते हैं तो नीचे सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में नीचे उसकी स्थिति आ जाएगी कि वो कहाँ डुप्लीकेट बोल रहा है, किस परिवार में वो जुड़ा हुआ है या किस व्यक्ति के नाम से जुड़ा हुआ है। आधार नंबर से भी ऐसे ही सर्च कर सकते हैं, तो डुप्लीकेट जानने के लिए भी ये जेनेरिक सर्च जो भामाशाह का एक फीचर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जेनेरिक सर्च के द्वारा भी हम अपने परिवार के नामांकन की स्थिति पता लगा सकते हैं, या परिवार के नामांकन में किसी सदस्य ने कहीं और नामांकन भी करवा लिया है, डबल नामांकन हो गया है, तो डबल नामांकन में उसकी रसीद संख्या या मेंबर जुड़ा हुआ है तो उससे ही पता लगा सकते हैं कि उनकी रसीद संख्या क्या है और कार्ड की स्थिति क्या है। तो ये थी जेनेरिक सर्च के द्वारा भामाशाह में परिवार नामांकन की स्थिति जानना। धन्यवाद।